अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज आप दोस्तों के लिए एक वीडियो लेके आए हूँ जिसमें आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, तो मैं आप सब दोस्तों को ये बताऊँगा कि इस वीडियो में आप कैसे भी किसी भी मोबाइल हैंड्राइड सॉफ्ट मोबाइल को अपडेट और जो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए, मेरे पास टेक्नो इन्फिनिक्स के आजकल जितने मोबाइल हैं उनकी अपडेटिंग जो प्रॉब्लम आती है या जो उनमें प्रॉब्लम आ रही है या अपडेट वो नहीं होते और किस तरीके से उनको अपडेट करते हैं, वो सारी इस वीडियो में मैं आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले आप मोबाइल में जो भी जिस मोबाइल को आपने अपडेट करना है उसको सबसे पहले आप वाईफाई से कनेक्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग में गया, सॉफ्टवेयर अपडेट में गया। अपडेट में जाने के बाद यहाँ पर आपने इसको ऑनलाइन अपडेट पे करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी अपडेट चल रही है और ये तकरीबन 325 MB की अपडेट है। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये देख सकते हैं कि वीडियो मेरी जो है वो डाउनलोडिंग जो है वो मेरी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए कि ये शॉर्ट वीडियो, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और अगर बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग फिर लंबी वीडियो देखते नहीं हैं, तो लोग आजकल शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी ये शॉर्ट सी वीडियो बना दी है। तो यहाँ पे तकरीबन आधे से ज़्यादा डाउनलोडिंग जो है वो मेरी हो चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा जो डाउनलोडिंग है वो हो चुकी है। थोड़ा देर और वेट करते हैं। तो ये वेट करने के बाद थोड़ी सी और डाउनलोडिंग हो रही है, वीडियो काफ़ी फास्ट जा रही है तो ये इस वजह से इतनी जल्दी से डाउनलोडिंग हो रही है। अगर नेट आपकी स्पीड ठीक है तो ये आपका तकरीबन 5 मिनट में हो जाएगा या 3 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा MB की कोई फाइल नहीं है, सिर्फ 350 या 325 MB की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे हम इस तरह और काम करते हैं कि यहाँ पे हमें जो इसका स्क्रीन डिस्प्ले टाइम है वो भी पहले चेंज कर देते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमें बार बार डिस्प्ले इसका ऑन ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट तक कर देता हूँ। तो यहाँ से दोबारा मैं डाउनलोडिंग पे जाता हूँ, अपडेट ऑनलाइन। आपने इसको ऑनलाइन डाउनलोडिंग पे ही यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करना है और आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपने इसको ऑनलाइन डाउनलोडिंग करनी है। तो ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। अगर आप लोकल पे करेंगे तो अगर आप कोई गलत फाइल लगाएंगे तो आपका मोबाइल डेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सिस्टम अपडेट्स अवेल। तो सबसे पहले आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन रूटेड ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने एक बात, दूसरा बात कि अगर आपने OTG से कर रहे हैं तो उस OTG को अपग्रेडेड अनप्लग प्लीज़ इनप्लग चार्जर करना है। ठीक है, OT। और तीसरा आपने एक ये बात ध्यान रखना है कि बैटरी आपकी 50% से ऊपर होनी चाहिए लाजमन, साथ आप मोबाइल को चार्ज भी लगा लें। तो यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट 100% होगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 100% हो गया है, 100% होने के बाद ये फ़ोन देखते हैं अभी किस पोजीशन में जाता है। तो ये फ़ोन हमारा एकदम से ऑफ हो गया, चार्जिंग लगा और ऊपर लाइट ऑन हो रही है, फिर से ऑन हुआ है। ऑन होने के बाद ये देखते हैं अभी फिर आगे क्या डिस्प्ले देता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं iOS इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर इन डाउनलोडिंग हुआ था वो इसमें अभी अपडेट हो रहा है। देख सकते हैं अपडेट वाली जो इसमें लाइन है वो इसमें भी चल रही है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर था वो हमारा अपडेट हो रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अपडेट होने देते हैं। यहाँ पे वीडियो को हम थोड़ा सा और फास्ट करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए और आप दोस्तों तक भी वीडियो जो पूरी से पूरी शेयर हो सके। ठीक है, तो ये हमारा जब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो देखते हैं हमें आगे फिर और क्या ऑप्शन मिलता है। तो चलते हैं अभी, हम थोड़ा सा वीडियो को और फास्ट करते हैं, थोड़ा सा रह गया अपडेट होते हुए। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड हुआ था, जो हमने अभी उसको डाउनलोड नहीं किया था, वो भी अब इसमें इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि इसके कंप्लीट होने के बाद हमें कौन सा इसमें फेस। तो यहाँ पे ये फ़ोन रीस्टार्ट हुआ हमारा दोबारा से टेक्नो आ गया। तो ये भी फ़ोन हमारा दोबारा से ऑन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप ऑन हो रहा है।
यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट लगाएगा ऑन होते हुए, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो एंड्रॉयड अपग्रेडिंग इसमें चल रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो मोबाइल है ये टाइम बिल लगा सकता है। तो इसमें हैंड्राइटिंग या अपग्रेडिंग चल रही होगी, जिस वजह से थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, तो ये देख सकते हैं आप। ये देखें तो ये भी हमारा डिस्प्ले आ चुका है, मेन मेन्यू आ चुका है। यहाँ से हम इसको स्लाइड करेंगे तो हमारा सारा देख सकते हैं आप, ये हमारी आ चुकी है, फोन हमारा दोबारा से ऑन हो चुका है, देख सकते हैं इसकी। अभी हम दोबारा से सेटिंग में जाएंगे, ओपन करेंगे सेटिंग को। सेटिंग को ओपन करने के बाद हम इसको वाईफाई से दोबारा कनेक्ट करेंगे, तो ये ऑटो से कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद हम फिर इसमें जाएंगे, सॉरी अपडेट सिस्टम अपडेट्स में जाएंगे। दोबारा से हम इसको ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अपडेट्स ऑनलाइन पे। तो यहाँ पे ये चेकिंग हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सिस्टम अपडेट कंसलेशन, योर फ़ोन हैज़ बीन अपग्रेडेड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे इसको हम ओके करेंगे और दोबारा से हम चेकिंग फॉर अपडेट्स करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा फुल लेटेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें भी एक और अपडेट्स मिली है, ये भी हमें करनी पड़ेगी। तो ये 385 MB की है, तो इसको भी हम डाउनलोडिंग होने देंगे, तो ये भी तकरीबन 5-6 मिनट लगाएगी। तो वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा मैं और फास्ट कर देता हूँ, जब एंड पे मेरी चली जाएगी तो मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये तकरीबन अगर आप अपडेट फ़ोन करेंगे ऑनलाइन, तो ये आपको तकरीबन हो सकता है 2 दफ़ा भी करना पड़े, 3 दफ़ा भी करना पड़े, 4 दफ़ा भी आपको करना पड़ जाएगा अपडेट। उसमें अलग किस्म की अलग अलग अपडेट आएगी, एक ही नहीं आएगी। उसमें आपको अलग अलग फाइल जो होंगी वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी, डिफरेंट MB की होंगी, ठीक है। तो इस तरह का आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड में जाके अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो वो फाइल थी वो तकरीबन 385 MB की, वो मेरी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ से फिर ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि उसी तरह का वही प्रोसेस दोबारा होगा, ठीक है। ये वो जो फाइल थी वो डाउनलोडिंग जो हमारी अपडेट्स हुई वो और थी, और ये जो डाउनलोडिंग हो रही है ये और है। तो फिर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फ़ोन आपका रोटेट नहीं होना चाहिए, बैटरी आपकी या 50% से ऊपर होना चाहिए, या आप फिर फ़ोन को साथ चार्ज लगा लें। तो उसी तरह से दोबारा से वही प्रोसेस हो रहा है, एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट्स रीस्टार्टिंग पे जा रहे हैं, तो ये 100% हो गया। अब दोबारा से हमारा वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट्स ये चालू है। तो ये इसी तरह से दोबारा हमारी वो है वो लाइन पूरी होगी, ठीक है। ये लाइन पूरी होगी तो हमारा जो सिस्टम है वो फिर दोबारा से रीस्टार्ट होगा और दोबारा से ऑन होगा। तो फिर हम इसकी दोबारा से एक दफ़ा से चेकिंग करेंगे, देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो फुल अपडेट है, एंड्रॉइड लास्ट अपडेट पे पहुंच गया है, या इसमें एक बार भी हमें कुछ और अपडेट्स मिलती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हमारी यहाँ पे लाइन जो है वो इंस्टॉलिंग लाइन जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट किया हुआ, इस वजह से ये मेरा जल्दी हो रहा है, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब आप अपडेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं, और 5 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन ऑफ हो गया, दोबारा से ये रिस्ट ऑन हो गया, इसी तरह से दोबारा वही प्रोसेस होगा, फ़ोन ऑन होगा और मेन्यू पे दोबारा से इसी तरह से ऑन होगा, और दोबारा वो एक प्रोसेस हम फिर से करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको स्लाइड करने के बाद दोबारा से हम इसको क्लिक करेंगे, जाके अभी हम इसको सेटिंग में जाते हैं, और आप देख सकते हैं फिनिश एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट आ रहा है। तो यहाँ से दोबारा से वाईफाई के साथ हमारा फ़ोन ऑटो कनेक्ट हो गया। दोबारा से हम सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद हम फिर से सिस्टम अपडेट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से ऑनलाइन क्लिक करेंगे, ऑनलाइन अपडेट। तो आप देख सकते हैं कि कंसलेशन योर डिवाइसेस अपग्रेडेड, तो इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम इज़ योर अपडेट्स, तो यहाँ पे फ़ोन हमारा जो है वो लेटेस्ट अपडेट हो चुका है। तो आप दोस्तों के साथ ये वीडियो मैंने शेयर की है, अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हैंड ड्राइव सिस्टम है वो 9 पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे इसमें इस फ़ोन और इसमें लेटेस्ट है, और कल तो 11 12 चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से वीडियो से ज़्यादा दीजिए।